हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट टेबल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि शॉर्ट वीडियो है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। वो एक्चुअली में सोचते क्या हैं आपके लिए, क्या विचार हैं उनके, ट्रू फीलिंग्स उनकी डीपली क्या है आपके लिए, चलिए देखते हैं, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं मेरे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर देखेंगे, वहाँ पर जाके कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग करती हूँ, और वो चार्जेस जो हैं वो फुल रीडिंग के हैं। आप विदेश से भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वो डीपली ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे यूर के जो पार्टनर हैं, डीपली ट्रूली क्या फील करते हैं, डीपली ट्रूली क्या फील करते हैं। डीपली ट्रूली मेरे व्यूअर के लिए क्या फील करते हैं, ओके। तो आज मैं इस तरह से निकालूंगी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, स्ट्रेंथ। डीपली ट्रूली क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। वी हैव जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, फाइव, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में देखिए डेथ का कार्ड है। यहाँ पे कोई सजिटेरियस स्ट्रांगली है, कोई लियो स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉन स्ट्रांगली है, और स्कॉर्पियो है कोई, ठीक है। इसके अलावा सारे साइन हैं, ठीक है। साइन पे मत जाइए, आप रीडिंग पे जाइए, ये जनरल रीडिंग है सभी, ऑल साइंस के लिए, ठीक है। सारे साइंस है भी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपके लिए डीपली ट्रूली क्या फील करते हैं, देखिए ये तो बिल्कुल एक जनरल सी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जिन लोगों की आज कलेक्टिव्स की रीडिंग है वो डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मुझे बहुत लग रहा है, देखिए इनकी मेन एनर्जी डेथ है, ठीक है। ये कोई ना कोई रिलेशनशिप में पहले थे, अब उससे मूव ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आप ही के कारण आए, जब से आप मिले हैं इनमें बदलाव आ रहे हैं, और ये बदलाव हो सकते हैं इनको बहुत परेशान कर रहे हो, यानी कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से कोई बदलाव अपनी ज़िंदगी में। मतलब अपनी ज़िंदगी का रहने सहने का ढंग, खान पान, रहन सहन कोई भी एकदम से चेंज नहीं करता है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं इनके विचारों में, इनके खान पान में, इनके रहन सहन में बदलाव आ रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो बहुत इनके लिए डिफ़िकल्ट है ये बदलाव। लेकिन ये फिर भी देखिए कुछ बदलाव ऐसे होते हैं हम चाहें ना चाहें हमको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही बदलाव मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई रिलेशनशिप से कट ऑफ करके अब आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, आपकी तरफ शुरुआत करना चाहते हैं, और इसके लिए इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं वो मेजर हैं, जो कि इनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ ओवरऑल, ठीक है। इसके अलावा इनको रियलाइज़ होता है कि आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी में जो उथल फुथल है उसको शांत कर पाएंगे, ठीक है। एक शांत वातावरण में जा पाएंगे, आपके साथ आपका साथ होगा तो इनको बहुत कुछ करने में हेल्प मिलेगी, एक नई शुरुआत, एक स्टेबिलिटी, एक पैशनेट स्टार्ट आपसे हो पाएगी, ठीक है। ये भी सोचते हैं डेफिनेटली, इनकी ट्रूली फीलिंग्स ये है कि अभी शायद आपको कमिट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लेकिन ये खुद है जो अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं। मैं जैसे कह रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नयापन, कोई नया जॉब में कुछ नयापन, बिजनेस करते हैं तो उसमें ऐसा बिजनेस को नयापन दे रहे हैं जिससे कि इनकी ग्रोथ हो, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है बढ़ी, मतलब आपकी निगाहों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत हार्डवर्किंग लगते हैं आपके पार्टनर। और मुझे लगता है कि इन दिनों सिर्फ ये जो बदलाव है ये आपके कारण है, और इनके बदलाव आपके कारण जो बदलाव आ रहा है इनमें वो इनको बहुत हार्डवर्किंग या वर्कोहोलिक बना रहा है। मुझे लगता है कि इनका फोकस सारा अपने पेंटिकल्स पे है, ये कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया जॉब है, या फिर किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं घर शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ग्रोथ को चाहते हैं, अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, जिससे ये आपको अप्रोच करें तब इनको कोई भी आप ना नहीं कह पाएंगे, किसी तरह के भी ना नहीं कह पाएंगे। मुझे लगता है कि देखिए ये पैशनेट हैं आपसे, और डेफिनेटली एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की जिसमें इनका बदलाव रूप आप देखेंगे, ठीक है। इनका बदलाव
बदलाव जो है इनमें आसानी से देख पाएंगे आप, ठीक है। ये अपने आप में स्ट्रेंथ जुटाना चाहते हैं कि कोई भी कंपटीशन आपके साथ हो, यानी कि आपके लिए बहुत से एडमायरर हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आपको इनको हाँ कहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रूली ये है कि एक तो आपके बराबर या आपके आपके अकॉर्डिंग बनना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं बहुत कुछ अच्छा, उसी तरह से अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके लायक बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि ये डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप को छोड़ के आए हैं आपके लिए, ठीक है। और ये बदलाव सिर्फ मेजर आपके लिए ही हो रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको वो शिक्षा दी है या वो बातें कही है जिससे इनको, जो इनके दिल को छू गई, जो ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी बातें होती वो आपने सिखाई, ठीक है। मुझे आज एक गाना याद आ रहा है, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, आँखों मेरी सांसों में तुम, आई डोंट नो क्या है लिरिक्स, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा गाने नहीं सुन पाती हूँ, थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ गाने ऐसे हैं जो मेरे दिल को छू जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गाना आपको भी छू जाएगा। दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। तो इस तरह से मुझे आप आज की रीडिंग लग रही है, पूरा गाना ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, देखिए आपका नाम एम से शुरू होता होगा, एन से शुरू होता होगा, कुछ कुछ के लिए एस लग रहा है, कुछ कुछ के लिए बी लग रहा है, कुछ कुछ के लिए वी लग रहा है मुझे, ठीक है। और जी और जे भी यहाँ पे बहुत इंप्रोमिनेंट है, ठीक है। तो आप ये इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और 1 नंबर, ठीक है। ये 1 और 2 और 8 के एनर्जी वाले मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके पार्टनर ट्रूली डीपली सोचते हैं और डेफिनेटली ये आपसे बहुत पैशनेट हैं और आप ही के लिए अपने जीवन में बहुत चेंजेस ला रहे हैं। ये अभी नाइट की एनर्जी में है लेकिन डेफिनेटली ये किंग की एनर्जी में बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो आज क्विक एनर्जी में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में जरूर मिलती हूँ गाइज आपको। बाय बाय, गुड नाइट।